कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। लोहे बाजार में कब तेजी आएगी, कब एमएस इंगट का भाव बढ़ेगा, कब एमएस स्क्रैप का भाव बढ़ेगा, कब सरिया के बाजार में तेजी आएगी। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की इसी तरीके की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित है। किस तरीके से मार्केट में कामकाज होगा, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट के भाव, कास्ट आयरन के भाव की जानकारी, एचआरसी सीआरसी कॉयल की क्या स्थिति रही और मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ आपको सरिया के भाव की जानकारी, साथ ही रायपुर एचबी वायर, जीआई वायर, गोविंदगढ़ पाइप, रायपुर पाइप के बारे में भी जानकारी रोजाना मिलती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, कहां पर आपको खरीदारी करनी है, कहां पर बिकवाली करनी है, इसकी जानकारी भी दी जाती है। तो इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करेंगे मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट से। मंडी गोविंदगढ़ में एशिया की लार्जेस्ट मंडी एमएस इंगट में देखा गया कल बाजारों में कल गणेश चतुर्थी की वजह से मोस्टली बाजारों में कोई विशेष कामकाज नहीं हुआ। उसके बावजूद बाजारों में एक सुस्त कारोबार के तहत बाजार अगर एमएस इंगट देखा जाए तो 49,000 रुपये बाजार बंद हुआ। इसमें 400 रुपये की गिरावट दर्ज करी गई। एमएस स्क्रैप का भाव 38,400 रुपये हो गया। आप देख रहे हैं एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप में लगातार ऊपरी स्तर से गिरावट आ रही है बाजारों में। कहीं पर भी बाजारों में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन बाजारों में इन लेवलों पे बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले समय बाजारों में आपको यहाँ से रिकवरी दिखाई देकर चल सकती है। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,600 रुपये हो गया। चलिए जानेंगे कास्ट आयरन की स्थिति क्या रही। कास्ट आयरन मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 43,900 रुपये, इंपोर्टेड का भाव 44,900 रुपये रहा। इसमें 400 रुपये प्रति टन की बढ़त दर्ज करी गई। एचआरसी सीआरसी कॉयल के भाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। लुधियाना एचआरसी कॉयल का भाव 56,000 रुपये, सीआरसी कॉयल का भाव 65,800 रुपये रहा। गाजियाबाद एचआरसी कॉयल का भाव 56,000 रुपये, सीआरसी कॉयल का भाव 65,000 रुपये। कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 54,500 रुपये, सीआरसी सीट का भाव 63,800 रुपये हो गया। चलिए अब जानेंगे रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति रही। रायपुर एचबी वायर का भाव 54,500 रुपये, जीआई वायर के भाव में गिरावट आई, 9,900 रुपए का इसका भाव हो गया। एमएस पाइप इसी तरीके गोविंदगढ़ पाइप का भाव 52,600 रुपए, रायपुर पाइप का भाव 51,500 रुपए बाजारों में देखा गया। चलिए अब जानते हैं किस तरीके से टीएमटी के भाव रहे, टीएमटी के भाव में किस तरीके से कामकाज हुआ, या जो भी हमने आप लोगों ऊपर पाइप के भाव बताए हैं बेसिक मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। बताएं बेसिक रेट है, इसमें 18% जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना पड़ेगा। टीएमटी के भाव कल स्थिरता देखी गई। कल टीएमटी मंडी गोविंदगढ़ का भाव 54,000 रुपये हो गया, दुर्गापुर का भाव 47,000 रुपये, इंदौर का भाव 54,200 रुपये, रायपुर का भाव 51,000 रुपये, जयपुर का भाव 53,400 रुपये, मुजफ्फरनगर की अगर बात कर लें तो 52,000 रुपये भाव पे कामकाज हुआ, भावनगर का भाव 55,600 रुपये, गाजियाबाद का भाव 53,700 रुपये, जलना का भाव 54,500 रुपये। लगातार आप देख रहे हैं बाजारों में इंगट में गिरावट आ रही है, जबकि और कंपनियां जो ब्रांडेड का हैं बाजारों के रेट अब यहां पर फिलहाल रुक गए। बाजारों में बहुत ज़्यादा पैनिक होने के आसार नहीं। अभी बाजारों में आप भी देख रहे हैं यूएस में रिसेशन के फियर के चलते बाजारों में जो इफेक्ट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो संभावना व्यक्त करी है उसका इम्पैक्ट भी बाजारों में देखा जा रहा है। बाजारों में डर और दहशत का माहौल है, तो सारा मेटल बाजार टूटा है, उसका इम्पैक्ट आप लोहे बाजारों में भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बाजारों में बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। चलिए अब जानेंगे गोविंदगढ़ में एमएस इंगट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के। आज के एमएस इंगट का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 48,300 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 50,000 रुपये का। इसी तरीके एमएस स्क्रैप का सपोर्ट का लेवल 37,600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 39,500 रुपये देखा जा रहा है। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार लोहे बाजारों में यहाँ पर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसा कि आप लोगों को बताया, अपनी कैपेसिटी अगर आपकी अगर 100% है तो उसकी कैपेसिटी का 50% आप लोग यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। बाजारों में आगे आने वाले समय बाजारों में आपको एक बाजारों में बाउंस बैक बाजारों में दिखाई देकर चल सकता है। इसके हिसाब से आप एंगल पाइप पत्रा कार्टर चैनल और सरिया के भाव में भी आपको एक बढ़त आती हुई बाजारों में आने वाले हफ्ते में आप बाजारों में दिखाई देकर चल सकती है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।